हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक्सेल डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट इंटरनेशनल करेंसी फॉर्मेट को इंडियन करेंसी फॉर्मेट में कैसे चेंज करें। तो आइए देखते हैं। एक्सेल में इंटरनेशनल करेंसी पैटर्न है, आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल करेंसी पैटर्न को इंडियन करेंसी पैटर्न में चेंज करने के लिए आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना होगा। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद उसमें ऑप्शन आता है रीजन का, उस पर क्लिक करिए। करने के बाद एक स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन क्लिक करना होगा। अब आप करेंसी टैब पर क्लिक करिए। करेंसी ऑप्शन में डिजिट ग्रुपिंग का ऑप्शन रहता है, उसे क्लिक करना होगा एंड उसमें इंडियन करेंसी का पैटर्न सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद अप्लाई कर दीजिए एंड ओके ऑप्शन क्लिक करके विंडो को बंद कर दीजिए। ओके एंड अप्लाई करने के बाद कंट्रोल पैनल वाली स्क्रीन को क्लोज कर दीजिए एंड एक्सेल वाली विंडो को अगेन ओपन कीजिए। अब आप चेक कर सकते हैं इंडियन करेंसी पैटर्न एक्सेल में चेंज हो गया है एंड ये जब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप कंट्रोल पैनल की सहायता से इसको चेंज नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।